नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन सा। सिरहा में अज्ञात समूह प्रहार किने गोली सा एक युवक घायल। बृहत्तरक अध्यक्ष शर्मा नया शक्ति, नेपालक नेता राइनक आंदोलन प्रति नया शक्ति संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टवाई सरक एकता। सरकार वरीयता मिच कर नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक नियुक्ति केने कहत, युवा सब विरोध केलक। छ बुंदे मांग रखत कर्मचारी आंदोलन में उतरल बाद मोरंग जिला विकास समिति आ नगर पालिका सेवा ठप। आ बगदाद में छठा 5 गोटे के मृत्यु, ग्रीन जोन में रॉकेट आक्रमण। आप समाचार विस्तार से। सिरहा में अज्ञात समूह प्रहार के गोली से एक युवक घायल भेलाई। मिर्चया नगर पालिका वार्ड नंबर 2 मलहनिया नहर चौक में आई 4 अज्ञात समूह गोली प्रहार से मछौलिया अरंगक अंदाजी 29 वर्षक लालू खान घायल भेलाई। खान के घर में गोली लागल। मिर्चया इलाका प्रहरी कार्यालय DSP गज्जू सिद्धी आचार्य जानकारी देलन। खानक मिर्चया स्थित गोली प्रहार कर वाला के खोजी भरल पुलिस जनौलक। बृहत्तरक अध्यक्ष राम कुमार शर्मा आ नया शक्ति नेपालक नेता कलामुद्दीन रायनक आंदोलन प्रति नया शक्ति संयोजक डॉक्टर बाबूराम भट्टराई एकता जनौलन। शर्मा आ रायन 7 बुंदे मांग राख 11 दिन से अनशन में बैसल। आई जनकपुरक जनक चौक स्थित अनशन स्थल पहुँच कर संयोजक भट्टराई ओ सभक आंदोलन प्रति एकता जनौलन। ओ शर्मा आ रायन जर्जर अवस्था में रहल जनकपुरक विकासक लेल आंदोलन केने कहत, सबके एकता जनाब आग्रह सेहो केलन। नेपाल प्रहरी के आगामी नेतृत्व जय बहादुर चंद आ सशस्त्र प्रहरी बलक नेतृत्व सिंह बहादुर श्रेष्ठ सम्हाल लागल। रवि दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार नेपाल प्रहरी के आगामी महानिदेशक में नायक प्रहरी महानिरीक्षक जय बहादुर चंद के नियुक्त करबाक निर्णय कीने अछि। साथे सरकार सशस्त्र प्रहरी बलक प्रमुख में अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक सिंह बहादुर श्रेष्ठ के नियुक्त कीने अछि। र खास गरेर सशस्त्र प्रहरी में सिंह बहादुर श्रेष्ठ लाई IGP को रूप में नियुक्त गरिएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरी में जय बहादुर चंद लाई नियुक्त गरिएको छ। आज को महत्वपूर्ण घोषणा यही। नेपाल प्रहरी प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्र कान्त आर्यालक समय रहित दिन से समाप्त भरल। तहिना का सशस्त्र प्रहरी बलक प्रमुख दर्जु कुमार राय के समयावधि चैत में समाप्त भेल। सरकारक निर्णय संगे चंद्र नेपाल प्रहरी के 25वां महानिरीक्षक बनल। सशस्त्र प्रहरी बल में पहिल नंबर में रहल सिंह बहादुर श्रेष्ठ प्रमुख में नियुक्त भेल बादो नेपाल प्रहरी में पहिल वरीयताक नायब प्रहरी महानिरीक्षक नवराज सिलवाल के छोड़ कर तेसर वरीयता में रहल चंद के सरकार प्रहरी संगठनक प्रमुख बनौने। सशस्त्र प्रहरी में दोसर आ तेसर वरीयता में अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक प्रेम कुमार शाही आ प्रकाश ओझा रहल। अहिबीच प्रहरी संगठनक प्रमुख वरीयता क्रम अनुसार एकर प्रभाव कहत शुक्र दिन सर्वोच्च अदालत में पड़ल रिट ऊपर आई सुनवाई भरल। सरकार वरीयता मिस कर नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक नियुक्ति केने कहत, युवा सब विरोध केलक। रवि दिन माइती घर मंडला में भेल युवा सब नेपाल प्रहरी के वरीयता अनुसार वरिष्ठ अधिकता के महानिरीक्षक नियुक्त केने कैल गेल कहत, ओ सब विरोध केने अछि। नेपाल प्रहरी जका स्थान में राजनीतिक नेतृत्व विभिन्न प्रलोभन में पर कनिष्ठ प्रहरी अधिकृत के महानिरीक्षक नियुक्त केने ओ सभक आरोप अछि। युवा सब स्वार्थ पूरा कर वरीयता मिसला से समग्र प्रहरी प्रशासनक मनोबल विग्रत
कहत निर्णय सच्चे आवश्यक हो सरकार ध्यान आकर्षण करो लगाई लोकतंत्र मूल्य मान्यता विपरीत गृहमंत्री बिमलेन्द्र निधि अपन राजनीतिक उद्देश्य पूरा कर तेसर वरीयता में रहल वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत के महानिरीक्षक नियुक्त केने ओ सभक आरोप है। राजनीतिक संस्कृति आ विभिन्न प्रलोभन में गलत व्यक्ति के अवसर दक विधि के शासनक उल्लंघन भेल विरोध प्रदर्शनक सहभागी सभक उपराग है। सरकार रवि दिन तेसर वरीयता में रहल जय बहादुर चंद के प्रहरी महानिरीक्षक में नियुक्त केने अछि। छ बुंदे मांग रखत कर्मचारी आंदोलन में उतरल बाद मोरंग जिला विकास समिति आ नगरपालिकाक सेवा ठप्प भेल अछि। मोरंग जिलाक जीबीस आ उपमहानगरपालिका सहित सातटा नगरपालिकाक कर्मचारी आंदोलित बनल बाद कार्यालय के काज ठप्प भेल अछि। स्थानीय ट्रेड यूनियनक अगुवाई में आब बनत स्थानीय तहक नया संरचना सब में स्थानीय निकाय में कार्यरत संपूर्ण कर्मचारी सब के पहल प्राथमिकता में राख पड़वाक स्थानीय तहक संरचना में कर्मचारिक व्यवस्थापन आ समायोजन केला से हाल स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारी के पहल प्राथमिकता में देव पड़त। स्थानीय निकायक निर्वाचन अविलंब कर पड़वाक सहितक मांग रखत कर्मचारी स्थानीय निकायक काज ठप्प केने अछि। ललितपुरक खोकनापासी राष्ट्रीय गौरवक योजना में प्राथमिकता देने सका उक्त क्रम में प्रभावित होबयवला सरोकारित समूहक समस्या में सेहो ध्यान देव पड़त कहत सरकार संग मुआवजा रकम बढ़ावा पर पाक मांग रखने अछि। राष्ट्रीय गौरवक आयोजना मध्य के काठमांडू तराई जोड़े वाला द्रुत मार्ग निर्माण होब लागल बाद ललितपुरक खोकनावासी खुशी भेल छल। निर्माण होब वाला द्रुत मार्ग खोकना सहित ओही आसपास में पड़े वाला 1400 रोपनी क्षेत्रफल ओही क्षेत्र के सांस्कृतिक संपदा तथा कृषि योग्य भूमि में पड़े वाला प्रभावक सही आंकलन सरकार से नहीं भेल बाद स्थानीय चिंतित बनल अछि। फास्ट ट्रैक आउट ऑफ रिंग रोड बागमती कॉरिडोर सहित पांचटा योजना संचालन एकीकृत रूप में कर पड़त तथा नियोजित मुआवजा देव पड़वाक मांग खोकनावासीक अछि। देशबाट प्रभाव गर्ने विषयलाई चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। मुख्य के हो भन्ने कि यो चाहिँ कृषियोग्य जमिन छ, यसको सांस्कृतिक सम्पदाहरू छन्, त्यसमा पनि जनताहरूले होइन हामीलाई बाटो नचाहेको भन्ने होइन, तपाईँको यहाँ चाहिँ फास्ट ट्र्याक आउट अफ रिङ रोड 120 केपी हाई टेन्सन लाइन बागमती करिडोर त्यसपछि ड्राई फोर्ट गरेर पाँचवटा मुख्य योजनाहरू यहाँ सञ्चालन हुन गइरहेको छ। सबै पाँचवटै योजनाहरू चाहिँ एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्नेको मुख्य माग चाहिँ जनताहरूको यो हो। अहिले सरकारले निर्धारण गरेको मुआवजामा पनि जनताहरूको चाहिँ एकदम आपत्ति छ, यो चाहिँ एकदम न्यून छ, यो चाहिँ मुआवजाले जनताको चाहिँ दुःख तार्दैन, उहाँले केही गरेर खान सक्ने अवस्था हुँदैन। यस्तो दुर्गम पारमा नै आनाको छ चार ढेक छ अरे हाम्रो यस्तो कारमाहरू नजिकमा चाहिँ यो आनाको ढेर दुई भन्ने किन धेरै मर्क पऱ्यो हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आनाको 10-12 ढेर चाहिँ हामीलाई सन्तुष्ट छ। द्रुत मार्ग निर्माण होबयवला कार्य विनायक नगरपालिका अन्तर्गत खोकना बुगमती सेबु क्षेत्र भक निर्माण हैत थाहा पेने बाद हर्षित भेल स्थानीय सरकार उचित मुआवजा नै देने बाद चिन्तित बनल अछि। मिथिला पेंटिंग में कोनो नै कोनो रूप में संलग्न धनसा कुल 30 महिला सभक लेल 7 दिवसीय मिथिला पेंटिंग तालीम जनकपुर में सम्पन्न भेल अछि। कार्यक्रम संयोजक सतीश चंद्र झा के अध्यक्षता में भेल उक्त तालीम समापन कार्यक्रमक प्रमुख अतिथि बोर्डक सदस्य सीताराम घले छलथि। 7 दिन धरि चलल तालीम में 30 गोटे महिला सब प्रशिक्षण लेने अछि। बीतल 23 तालीम के समुद्घाटन कयल गेल छल। आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार इराकक राजधानी बगदाद में झड़प भेला से कमती में 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। शिया धर्मगुरु मक्तुक्ता अल सदरक समर्थक आ पुलिसक बीच बगदाद में झड़प भेल अछि। झड़प बाद बगदादक उच्च सुरक्षा युक्त क्षेत्र ग्रीन जोन में
रॉकेट आक्रमण भेलाई ओही क्षेत्र में बहुते रॉकेट आक्रमण भेल बीबीसी जनौलक सरकारी भवन आ विदेशी कूटनीतिक नियोगक भवन रहल क्षेत्र में रॉकेट आक्रमण भेलाई रॉकेट आक्रमणक कारण भेल क्षतिक विवरण नहीं आयल पुलिस अश्रु गैस प्रयोग क प्रदर्शनकारी के तितर बितर करबाक प्रयास केने छल ओही क्रम में 200 से बेसी घायल भेलाई प्रदर्शनकारी भ्रष्टाचारक विरोध तथा चुनावी प्रक्रिया में सुधारक मांग केने अछि। अंतिम मुख्य समाचार एक बेर फेर सिरहा में अज्ञात समूह प्रहार केने गोली से एक युवक घायल बृहत्तरक अध्यक्ष शर्मा नया शक्ति नेपालक नेता रायनक आंदोलन प्रति नया शक्ति संयोजक डाक्टर बाबूराम भट्टवाई जनक एकता सरकार वरीयता मिच कर नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक नियुक्ति केने कहती युवा सब विरोध केलक छबुंदे मांग रखे कर्मचारी आंदोलन में उतरल बाद मोरंग जिला विकास समिति आ नगर पालिका सेवा ठप आ बगदाद में झड़प 5 गोटे के मृत्यु ग्रीन जोन में रॉकेट आक्रमण। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे पल पल खबर तेज नजर देखते रहब अपन टीवी। नमस्कार।